ग्रेटर नोएडा में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का किया जिक्र। सम्मेलन में 70 देशों के लगभग 7000 प्रतिनिधि शामिल। पंद्रहवीं विधानसभा सत्र में आज किसान कर्ज माफी, गुर्जर आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा का हंगामा। भाजपा का आरोप, किसान कर्ज माफी पर स्पष्ट नहीं सरकार की नीति। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी। सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बूंदी और सिकंदरा में यातायात बाधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सरकार तैयार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर बीजेपी कार्यालय में मनाया गया समर्पण दिवस। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परिणामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। और आज विश्व मिर्गी दिवस है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिर्गी रोग के कारण और निवारण के बारे में दी गई विस्तार से जानकारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में लगभग 70 देशों के 7000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के साथ इस समारोह में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें 13 से अधिक देशों के मंडप और 40 से अधिक देशों के लगभग 750 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उज्ज्वला योजना के समाज पर सकारात्मक प्रभावों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। पेट्रोटेक 2019 भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन माना जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन के साथ साथ इसमें प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित 3 दिन के इस कार्यक्रम में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाजार और निवेशकों के अनुकूल विकास हुआ। पेट्रोटेक 2019 में साझेदार देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्री, करीब 70 देशों के 7000 प्रतिनिधि शामिल हैं। और इस सम्मेलन में यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुल्तान अहमद अल जबर को पेट्रोटेक 2019-20 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में दिया गया है। ईच ऑफ अवर रिस्पेक्टिव कंट्रीज वी सीक टू डिलीवर अफोर्डेबल, एफिशिएंट, क्लीन एंड एश्योर्ड एनर्जी सप्लाई टू अवर सिटीजन्स, सुटेबली प्राइस Stable and sustainable energy supply is essential for rapid growth of the economy. Winds of change are evident in the global energy arena. Energy supply, energy sources, and energy consumption patterns are changing. Perhaps this could be a historic transition. There is a shift in energy consumption from west to east. राजस्थान में 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज किसान कर्ज माफी, गुर्जर आरक्षण और अन्य मुद्दों पर हंगामों के साथ शुरू हुआ। स्थगन प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी पर सरकार की घोषणा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है कि राज्य में कितने किसानों का कितना कितना कर्ज माफ होगा। सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल द्वारा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से किसानों की 50,000 तक के कर्ज माफ करने संबंधी सवाल पूछने पर भाजपा सदस्यों ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर सदन के बीचों बीच आकर जोरदार हंगामा किया। बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी के लिए किसी भी तरह के वित्तीय प्रबंध नहीं किए हैं।
भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने सदन के बाहर चोमू विधानसभा क्षेत्र में आसिंध कला में एक प्राचीन मंदिर में मूर्ति चोरी के संबंध में कहा कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में असंतोष का माहौल है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने सरकार को गुर्जर आरक्षण मामले से निपटने में पूरी तरह विफल बताया है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि गुर्जर आरक्षण के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से सिर्फ 1 मंत्री ही गुर्जर प्रतिनिधियों से वार्तालाप करने पहुंचे हैं। वो हमारे द्वारा जब हमने जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया, उसके दबाव में इन्होंने शिविर तो अवश्य लगाए, लेकिन किसी शिविर में 100, किसी में 150 इस प्रकार के केवल प्रमाण पत्र बांटे। कुल मिलाकर के सरकार के पास अभी भी कोई आंकड़ा नहीं है। इन्होंने 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करने के लिए कहा था। संपूर्ण कर्जा 99,600 करोड़ बनता है, 59 लाख किसानों का बनता है। इनके पास इस प्रकार के कई वित्तीय प्रावधान नहीं है। बीच बीच में कभी 16,000 कभी करोड़, लेकिन उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। यह सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान तो 10 दिन का नारा दे करके वोट हासिल किए, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ये इस प्रकार के शिविर के द्वारा कुछ सीमित मात्रा में एक किसानों के ऋण पत्र माफी का एक पत्र देकर के केवल धूल झोंकना चाह रही है, ताकि लोकसभा चुनाव तक इसको लंबा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कहा कि राज्य सरकार गुर्जर समाज से शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे लाइन पर धरना देना उचित नहीं है और धौलपुर में हिंसक घटना असामाजिक तत्व द्वारा की गई है, इसकी जांच कराई जाएगी। प्रदेश के सवाई माधोपुर के मलारना, धौलपुर, बूंदी के नेनवा समेत कई गुर्जर बहुल इलाकों में गुर्जर आंदोलन जारी है, जिससे रेल और सड़क यातायात बाधित हो रहा है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को रेलवे प्रशासन द्वारा निरस्त किया गया है या डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो 5% आरक्षण हमें देने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। कांग्रेस सरकार को पावर में लाने के लिए इस समय गुर्जरों की एक मुख्य भूमिका रही है, इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कह दिया और अभी तक नहीं दिया, जबकि केंद्र ने दे दिया 7 डेज के अंदर अंदर, तो हमने उनको कहा कि हम आपको 20 दिन देते हैं, अल्टीमेटम के 20 दिन देते हैं, आप 20 दिन में हमें आरक्षण दे दीजिए। वो 20 दिन 8 फरवरी को पूरे हो गए। हमने उनका इंतजार किया, सरकार की तरफ से हमें कोई संदेश नहीं मिला। 150 ट्रेन निकलती है, इंक्लूडिंग गुड्स ट्रेन, और ये सारी गाड़ियां भी बंद हैं, और कुछ मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन से हैं उनको डाइवर्टेड कर रखा है, और जो लोकल ट्रेन चलती थी कुछ गाड़ियों को कैंसिल कर रखा है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज द्वारा सिकंदरा में लगाए गए जाम के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस है। यहां पुलिस की एसटीएफ टीम सहित अनेक कंपनियों को लगाया गया है। समाज के लोगों ने महुआ हिंडोन मार्ग पर गाजीपुर मोड़ के पास जाम लगाया है। इससे दोसा से करौली की ओर जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं। जिला प्रशासन वैकल्पिक मार्गों से यातायात को संचालित कर रहा है। प्रशासन द्वारा एहतियात बरती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी अवसर पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय जयपुर में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर जो समर्पण दिवस के नाम से इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है और 4 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम चलने वाला है, ये हर बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम चले, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हर बूथ स्तर पर कम से कम 2 लोगों को समर्पण निधि के रूप में इसमें प्रेरित करें, उनका सहयोग कराएं। अभ्यास राहत 2019 का आज पूर्व सैनिक आर्मी स्टेशन जयपुर में आयोजन हुआ।
जिसमें भूकंप आपदा राहत अभ्यास सहित कई प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु जानकारी दी गई, जिसमें व्याख्यान और अभ्यास बचाव पर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य भूकंप बाढ़ सहित कई प्राकृतिक आपदाओं पर सेना की अहम भूमिका पर परिचर्चा की गई। जयपुर में CSIR सीरी और स्किल डेवलपमेंट विभाग की ओर से रूफटॉप सोलर ग्रिड इंजीनियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में 40 चयनित प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान ILD के कुलपति डॉक्टर ललित के पवार ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्रों की बुनियादी अवधारणा को समझाना और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों की समझ कराना है। भारत सरकार ने 2022 तक लगभग 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप लगाने का पूरे भारतवर्ष में प्लान किया है। एक गीगावाट जो पावर होती है वो लगभग 2.5 लाख घरों में बिजली पहुँचा सकती है। तो ऊर्जा की मांग दिन पे दिन बढ़ रही है। आज अगर आप देखें पूरे विश्व में तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि कौन सा देश अमीर है या कौन सा देश गरीब है। तो हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है वो लगभग 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर डे पर पर्सन है। गवर्नमेंट का ये प्लान है और ये है विज़न है कि 2022 तक 40 गीगावाट हमारे सोलर एनर्जी रूफटॉप से हो। अगर रूफटॉप हर घर में लगाना है तो उतने ही मैन पावर ट्रेन करने पड़ेंगे। आज विश्व मिर्गी दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिर्गी रोग के कारण और निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विभागाध्यक्ष डॉक्टर CM शर्मा ने मिर्गी रोग के लक्षण व उपचार की जानकारी दी। देखिए 11 फरवरी है आज और ये दूसरा सोमवार है फरवरी का, तो इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया है कि एक ही दिन पूरे विश्व में मिर्गी दिवस इसलिए मनाया जाए कि इस दिन जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल है या जिनको भी इस बीमारी के बारे में जानकारी है वो सब लोगों तक ये चीज़ पहुँचाए जन जन तक कि मिर्गी कोई असाध्य रोग नहीं है और इसका इलाज संभव है। इसके बारे में सारी जानकारी दें कि कितने तरह की मिर्गी होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप दूरदर्शन के माध्यम से कि ये रोग जो है वो कोई ऊपरी रोग नहीं है, जैसे भोमैजी या कोई जादू टोना नहीं है। ये एक कारण से होता है, विद्युत तरंग की एबनॉर्मलिटी जब ब्रेन में हो जाती है उसकी वजह से होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारे कुएं में मोटर होती है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही ब्रेन के अंदर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उससे मिर्गी का दौरा बन जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी एंड मैनेजमेंट 2019 का आज समापन हुआ। SMS मेडिकल कॉलेज के रेडियो फिजिक्स विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश और विदेश से आए रेडियोलॉजिकल साइंस के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चोगले ने परमाणु विकिरण के बारे में जानकारी दी। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मानव के लिए हेल्थ में, इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर एनर्जी में कई प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। और आज अगर हम देखेंगे कैंसर का इलाज भी रेडिएशन से होता है, आप CT स्कैन एक्सरे उसमें भी रेडिएशन का यूज हो रहा है और 400 करोड़ से भी अधिक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हेल्थ केयर में हर साल होते हैं। लेकिन विकिरण जो है वो दुधारू तलवार, अगर इसको सही तरीके से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर के पास बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 दिवसीय बूथ मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है, ये शिविर बाद में हर विधानसभा स्तर पर लगेंगे और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो हमने व्यूहरचना बनाई है लोकसभा चुनाव के लिए उसमें हमारे इन साथियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हम चाहते हैं हर मतदाता तक पहुँचें
लोकतंत्र में मदद पहुंचना के मायने उसको मान सम्मान देना। 14 को राहुल आ रहे हैं, सेवा दल का एक वहाँ पर अधिवेशन है अजमेर के अंदर, राहुल जी 14 को आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ग्रेटर नोएडा में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का किया जिक्र। सम्मेलन में 70 देशों के लगभग 7000 प्रतिनिधि शामिल। पंद्रहवीं विधानसभा सत्र में आज किसान कर्ज माफी, गुर्जर आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा का हंगामा। भाजपा का आरोप, किसान कर्ज माफी पर स्पष्ट नहीं सरकार की नीति। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बूंदी और सिकंदरा में यातायात बाधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सरकार तैयार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर बीजेपी कार्यालय में मनाया गया समर्पण दिवस। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परिणामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। और आज विश्व मिर्गी दिवस है, जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिर्गी रोग के कारण और निवारण के बारे में दी गई विस्तार से जानकारी। दूरदर्शन समाचारों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।